गोवा विधानसभा में विधानमंडल वर्तमान और पूर्व सदस्यों को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसद लोकतंत्र का मंदिर है तथा सहमति और असहमति जीवंत संसद के कार्यकरण के भाग हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत में संसद की भूमिका, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना विषय पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। सहमति, असहमति, पक्ष विरोध, यही हमारे लोकतंत्र की पहचान है। सहमति असहमति होने के बाद भी जब देश का सवाल आता है, प्रदेश का सवाल आता है, तो राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर पूरा सदन उस राज्य और लोक देश के अंदर, लोकसभा में, देश में खड़ा रहता है। उन्होंने कहा कि विधायकों को आम आदमी को प्रभावित करने वाले विषयों पर विचार करने पर अधिक समय लगाने का प्रयास करना चाहिए। जब जनता हमें चुनती, विश्वास भरोसे के साथ चुनती है कि हम उनके इलाके के क्षेत्र का नेतृत्व करें, उनके अभाव सुने, उनकी समस्या सुने, उनकी कठिनाई सुने और किस तरीके से विधानसभा इलाके के क्षेत्र का विकास भी हो और राज्य के विकास के अंदर भी एक जनप्रतिनिधि का योगदान हो, सार्थक और सही दिशा में योगदान हो, ये दायित्व हमारे जनप्रतिनिधि दिखाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गोवा विधानसभा के कामकाज में अपनाई जा रही तकनीकों और विशेष रूप से पेपरलेस होने के प्रयास के लिए राज्य की सराहना की। मैं गोवा विधानसभा को इसलिए भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने यहाँ पर नई तकनीकी का उपयोग किया है और पूरी कोशिश की है कि पेपरलेस पार्लियामेंट बने। पेपरलेस पार्लियामेंट से लोगों को सुगम और सरलता होती है। हमने भी संसद में प्रयास करने की कोशिश की है, मुझे लगता है कि हम भी इस परिणाम तक पहुंचेंगे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर परिकर द्वारा राज्य और देश की प्रगति में किए गए अमूल्य योगदान का भी उल्लेख किया। सादगी लेकिन अड़िग, कठोर निर्णय और प्रशासनिक फैसला करने में स्वर्गीय मनोहर परिकर जी हमेशा हमें मार्गदर्शन देते रहेंगे।